नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश एंड वेलकम टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, कोलकाता जो एक समय भारत का कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था, आज वही शहर सिर्फ एक सिटी ऑफ जॉय बनके रह गया है, जो एक समय इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। आज वही ईस्टर्न इंडिया में भी अपना डोमिनेंस खो रहा है, जिसका फायदा मिल रहा है ओडिशा के कैपिटल सिटी भुवनेश्वर को, जो कि रिसेंट टाइम्स में एक एडुकेशन और अट्रैक्टिव बिजनेस डेस्टिनेशन बनके खड़ा उतरा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोलकाता हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी आज हर कंपनी ईस्ट इंडिया में अपना सेटअप भुवनेश्वर में खोलना चाहती है, लेकिन कोलकाता में नहीं। दोस्तों, जैसे कोलकाता एक हिस्टोरिक सिटी है, वही भुवनेश्वर एक मॉडर्न प्लान सिटी है, जिसे सन 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे जर्मन आर्किटेक्ट ऑटो कोनिग्सबर्गर ने डिजाइन किया था। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ओडिशा का कैपिटल था कटक, जो कि एक फ्लड अफेक्टेड एरिया था। इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद सन 1949 में भुवनेश्वर को ओडिशा का कैपिटल बनाया गया, और तभी से भुवनेश्वर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस भी मिलने लगा। दोस्तों, अगर इकोनॉमी की बात करें तो जहां एक तरफ कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, वही भुवनेश्वर एक टीयर टू सिटी ही है। लेकिन पिछले कई सालों से भुवनेश्वर का ग्रोथ रेट कोलकाता से कई ज्यादा है। दोस्तों, 1947 के बाद से ही कोलकाता, जो एक समय इंडिया का कॉमर्स, कल्चर और पॉलिटिक्स का सेंटर हुआ करता था, धीरे धीरे पॉलिटिकल वायलेंस और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के वजह से अपना इंपॉर्टेंस खोता चला गया। इंडिया के पार्टीशन के बाद बांग्लादेश से आए हुए काफी सारे हिंदू रेफ्यूजीज ने यहाँ अपना घर बसाया, जिसके वजह से कोलकाता का पॉलिटिकल लैंडस्केप ही पूरी तरह से बदल गया। सन 1960s से 1990s के बीच काफी सारे फैक्ट्रीज और कंपनीज कोलकाता में बंद हो गए, जिसके वजह से वहाँ काफी हाई इनकम इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। इन्हीं सब प्रॉब्लम और पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से सन 1970s में सिंघानिया ग्रुप ने कोलकाता छोड़ा। इसके बाद भी बिरला, आईसीआई इंडिया, बाटा, फिलिप्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और न जाने कितने सारे कंपनीज ने कोलकाता छोड़ के किसी दूसरे शहर में अपना सेटअप खोला। उसी समय के दौरान हिंदुस्तान मोटर्स और डनलॉप इंडिया के दो बड़े फैक्ट्रीज कोलकाता में बंद हो गया। हालांकि सन 1990s के बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज में थोड़ा सुधार आया, लेकिन आज भी ईस्टर्न इंडिया में कंपनीज अपना फैक्ट्री कोलकाता में खोलना कंफर्टेबल फील नहीं करते, और इसी का फायदा मिल रहा है भुवनेश्वर शहर को। सन 2014 में वर्ल्ड बैंक ने भुवनेश्वर को बिजनेस करने के लिए इंडिया का बेस्ट प्लेस घोषित किया था। टूरिज्म भी भुवनेश्वर का एक मेजर इंडस्ट्री है, और काफी सारे एंशियंट हिंदू टेम्पल्स के प्रेजेंस के वजह से ही इस शहर को टेम्पल टाउन के नाम से भी जाना जाता है। सन 1990 से पहले भुवनेश्वर की इकोनॉमी रिटेल, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और हैंडीक्राफ्ट जैसे इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन सन 1990s के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद यहाँ टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट, हायर एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ग्रोथ देखा गया। भुवनेश्वर में हाई स्किल वर्कर्स और क्वालिटी टैलेंट प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी देखा गया है। फिलहाल भुवनेश्वर का इंडस्ट्रियल सेक्टर पेपर, स्टील, ऑटोमोबाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। बड़े कंपनीज की अगर बात करें तो यहाँ भारत बायोटेक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एसएमएस ग्रुप और जॉकी इंटरनेशनल जैसे कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है। रीसेंट टाइम्स में भुवनेश्वर ईस्टर्न इंडिया का एक एमर्जिंग आईटी हब बनके खड़ा उतरा है, जो शायद कोलकाता बन सकता था, और गवर्नमेंट ने भी यहाँ इन्फोसिटी, इन्फो वैली जैसे खूबसूरत आईटी पार्क्स बना के रखे हैं, जिसमें से इन्फोसिटी को एक 5-स्टार आईटी पार्क का सम्मान भी मिला है। दोस्तों, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज भुवनेश्वर में सन 1996 से ही प्रेजेंट हैं। इनके अलावा भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, आईबीएम, जेनपेक्ट, रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, डीएलएफ, कैपजेमिनी और डेलॉयट जैसे मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज भी भुवनेश्वर में मौजूद हैं, और पॉस्को इंडिया का हेडक्वार्टर भी भुवनेश्वर में ही है, और इनके साथ साथ 300 से भी ज्यादा स्मॉल और मिड साइज आईटी कंपनीज और बिजनेस स्टार्टअप्स ने भुवनेश्वर को ही अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया है। दोस्तों, अगर एजुकेशन की बात करें तो भुवनेश्वर का लिटरेसी रेट 93.15% है, जो कि इंडिया के नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। इनके अलावा भी भुवनेश्वर में आईआईटी, एम्स, नाइजर और एनआईएफटी जैसे एलाइट इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। भुवनेश्वर में बना बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईस्टर्न इंडिया का एक बेहद इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है।
अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ बना कलिंग स्टेडियम एक मल्टीपर्पज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ सन 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप भी होस्ट किया गया था। दोस्तों, ओडिशा हॉकी के जरिए इंडिया के टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश करता आया है, जिसके वजह से हमें वहां के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी और उनके गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल पावर सप्लाई और भारत के बाकी शहरों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क के वजह से आज भुवनेश्वर ने ईस्टर्न इंडिया में अपना डोमिनेंस दिखाया है, जिसके वजह से ओडिशा, जिसे पहले एक गरीब राज्य की तरह देखा जाता था, आज वही इंडिया के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन चुका है। और जिसे पहले असंभव माना जाता था, आज वही एक सच्चाई है कि पर कैपिटा इनकम के मामले में ओडिशा वेस्ट बंगाल से काफी आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।